हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ शुरू करते हैं। हरियाणा जाने की सोच रहे थे, फिर काफ़ी समय से लगभग 7 साल हो गए थे हमारे को, तो सोचा ज़रा इस बार चल के आते हैं, क्योंकि वो नीचे बुला रहे थे। काफ़ी समय भी हो गया था हमारे को जाते हुए, तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है। अभी हमने अपने सामने 2 बसें छोड़ी गया, हमें लगा कि ये नहीं रुकेगी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रुकी। काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर ना, तो हमने सोचा कि ये नहीं रुकेगी ना, तो वहाँ पे रोक दी। फिर हम थोड़ी आगे से चले गए, जैसे हम पीछे गए फिर हमारे लिए रोकी नहीं बस, तो हम पैदल जा रहे हैं ISMT की तरफ। मैं से कहा उतना दूर तो नहीं है, लगभग 1-2 किलोमीटर के आसपास होगा, तो हम तक जा रहे हैं। अभी समय हुआ है लगभग 6-7 बज चुके हैं, और अभी यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर रहा है। मैं खासकर बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, मेरी कमर में इतना दर्द होने लगा कि बहुत ज़्यादा है। सुबह से खाया भी नहीं कुछ, खाया तो खाया वैसे ऐसे उठ गया, खाई बैठ गए, फिर काफ़ी सारे स्नैक्स अंधेरे भी काफ़ी हो चुका है। तो दोस्तों अभी जैसे हम पहुँचे यहाँ पे लगभग 8:30 बजे के आसपास, तो हमने भी खाना खुना वगैरह खा लिया। अब हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और सोने का कुछ सोच रहे थे, लेकिन मुझे आज नींद आ रही है। वैसे मैं सोता काफ़ी लेट हूँ, आज मुझे बहुत जल्दी नींद आ रही है, क्योंकि मैं उसके पिछले दिन भी नहीं सोया था, क्योंकि एक तो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो उस वजह से नींद भी नहीं अधूरी रह गई थी। तो चलो अब मिलते हैं कल सुबह खेत में। ओके बाय बाय। पर शायद कुछ मोर जैसे देखे थे, अब हम उनके पास जा रहे हैं। अब भगवान से प्रार्थना है कि वो वहाँ से भागे ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इनको देख रहा हूँ काफ़ी नज़दीक से। अब अभी दिखाता हूँ मैं तो क्या चीज़ है। मोरनी चलो हमारे लिए मोरनी की बात है। चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको कुछ समय बाद कैसा है। मतलब गाइस एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता, मतलब जो मोर होता है आई थिंक मोर के ना जो पंख होते हैं, और जो मोरनी होती है उसको कुछ नहीं होती, वो मतलब नॉर्मल होती है, आप देख लेना। मोर मोरनी में भी दिखने में फर्क लग जाता है, कहने का मतलब ये है कि मतलब पता, पहले पता लग जाता है कि मोर मतलब जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उनको जो उठाते हैं। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ अभी मैं वैसे इनको पकड़ने की कोशिश करूंगा। अब भाग रहे वहां से, वो मेरी स्पीड भी वैसे काफ़ी अच्छी है ना, रेस में काफ़ी आगे तक गया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ओह सर इस खेत में गाइस पानी दे रखा था साहिल भाई को, पता लगा गेहूं है ये, पता नहीं काली दे यार। हां अरे मैंने देखा एक था मोर यहां पर छुपा हुआ, जैसे यहां आया उसने एकदम से कल्टी मार दी। यहां पे देखो हमें मेल पीकॉक मिल गया गाइस, ईमेल है मेल पीकॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको बाइक में, मतलब ऐसा समझो कि कुछ खेत से हम बाहर से आप डालने जा रहे हैं ना, तो वैसे वो क्या बोलते हैं ना आप आपके लिए, इनका वैसे एक गाड़ी जैसी होती है, फिर उसको उसमें डाल के करते हैं। यहाँ पे हर एक गाँव में बाइक है, बाइक में वो चला के सब जाते हैं इसी में, क्या बोलते हैं इसको। तो हमारा इधर यहाँ पे बाइक ही खराब हो गई है पूरी, यहाँ पे लोग पैदल पैदल जा रहे हो। अब पता नहीं कितना दूर है, कितना दूर है जगते यहाँ से। यहाँ से लगभग है गाइस 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पीछे हमें हमारा तेल ही खत्म हो चुका है, पता नहीं क्या पता नहीं प्लग में दिक्कत आ गई, प्लग में दिक्कत आ गई इसमें ना, तो अब देखते हैं। अब ऐसे ही, अब तो ऐसे ही ले जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर के पास ले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ मैकेनिक के पास ले जाएंगे, फिर देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ समय बाद। तो अभी पता क्या हुआ, अभी जैसे सामने से साइकिल लेके आ रही थी ये,
तो आगे बस ये वाली दीवार है ना, ये वाली दीवार यहाँ पे बोला था कि ब्रेक मारने के लिए, उसने आगे कुछ दिखाई दिया, उसने बस पार बजा दी साइकिल, मतलब ब्रेक मारना ही भूल गई है, ब्रेक मारना ही भूल गई है। अरे बड़ी फनी यार, लगता भी तो लड़के लड़के होती है यहाँ से। ये इसलिए लाई सीखने के लिए, सिखाने के लिए भाई, ये साइकिल वो भी चार पहियों वाली, चार नहीं इसमें यह है तो वैसे पहिया नहीं, मैं देखो काफ़ी छोटी सी। अब पता नहीं सीखती कि नहीं सीखती है इसमें। दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट डे कल दिल्ली का प्रोग्राम बनता है, तो वहाँ दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे एक नया ब्लॉग बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सी यू सून। हम लोगों ने